अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बताओ फ्यूरेन कौन सा एग्जाम्पल। तो बेटा आपको बता दूं, चूंकि एन वाला एग्जाम्पल है, इसको हम क्या बोलते हैं, पायरोल, इसी का नाम है फ्यूरेन। सल्फर अगर होता हम इसको बोलते थायोफीन, और ये एग्जाम्पल अवेलेबल है तो हम इसको बोलते इमिडाज़ोल। भैया आपका आंसर क्या है ना, जो सिंपल फ्यूरेन। इसके लिए आपको कॉमन नेम की शीट को ढंग से देखना पड़ेगा। शुरुआत में आप ना शीट को दे दे के सोल्व करो, धीरे धीरे 2-3 महीने में ये नाम अपने आप को रिकॉल होने लग जाएंगे। जल्दबाजी मत करना, रटने की कोशिश मत करना, भूल जाओगे। वेरस सक्सेनिक एसिड, ओम्स गैप्स का फंडा अगर आपको पता है तो बेटा ये आपका कौन सा एग्जाम्पल है, ये आपका मेलोनिक है, और ये आपका कहलाता है सक्सेनिक एसिड। ये आपका अभी पढ़ाया था मैलिक एसिड, और ये आपका 3 कार्बन का, तो सक्सेनिक ओम्स, तो उसके बाद आता जे से ग्लूटेरिक एसिड। तो भैया आपका आंसर क्या आना चाहिए, सिंपल बॉम्बे। अगला एग्जाम्पल आपसे पूछा गया आइसोब्यूटायरो आइसोनाइट्राइल, तो चेक करने का थोड़ा हटकर पॉइंट है। आइसोब्यूटायरो समझ में आ गया, पर ये आइसोनाइट्राइल का मतलब होता है NC होना चाहिए, तो ये गड़बड़ है, साइनाइड गड़बड़ है, साइनाइड गड़बड़ है। आपका आंसर ये रहा NC, ये रहा आपका क्या रहा, आइसोब्यूटायरो आइसोनाइट्राइल। इसका मतलब आपका आंसर दे लिया आना चाहिए। नंबर 14, इथाइल आइसोसाइनाइड। तो भैया पहली बात तो ये चीज को कि आपका हो गया इथाइल और ये आपका हो गया आइसोसाइनाइड। अब पूछा क्या नाम यूज करना है, तो बेटा आईयूपीएसी के हिसाब से हम इसे किस फॉर्म में यूज, कॉमन नेम और पूछा ना, आईयूपीएसी नेम नहीं पूछा संभल के। तो भैया ये आपका सिंपल सा ऑप्शन हो गया, तब आप कॉमन नेम में प्रोपियो, तो याद करो इसे प्रोपियो आइसोनाइट्राइड। जबकि आईयूपीएसी के हिसाब से इसका नाम पता क्या होना चाहिए, इसका नाम था इथेल आइसोनाइट्राइड, बट विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन नेम हम इसको 1, 2, 3 से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बोलेंगे प्रोपियो आइसोनाइट्राइड, क्योंकि उसमें ये कार्बन भी काउंट होता है। दैट्स ए वेरी यूनिक ऑप्शन। एस्टोफिनोन, तो भैया ये आपको पता है कि अगर 2 मिथाइल अवेलेबल हो तो हम उसे एसीटोन के नाम से जानते हैं, अगर फिनाइल मिथाइल अवेलेबल हो तो हम इसे एसीटो फिनोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये अगर फिनाइल फिनाइल अवेलेबल होता तो हम इसे बेंजोफिनोन के नाम से जानते हैं, और ये नाम क्या होता, तो देख से बेंजल्डिहाइड। तो शायद आपका आंसर क्या आना चाहिए, सिंपल बॉम्बे, दिमाग में जोत नहीं थी। अगला पूछा है कॉमन नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो इस कंपाउंड में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, आंखें बंद करके बोल सकते हो कि इसे ऑक्जेलिक एसिड, दिमाग लाने की जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से। अगला डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो बेटा एसीटोन, डायग्राम पे ध्यान दीजिए ये कार्बन sp2 है। एसिटिक एसिड, आपको लग जाएगा आपका ये कार्बन भी sp2 है। एसीटोनाइट्राइल, आपको समझना होगा आपका ये कार्बन sp है, और एसीटेमाइड, आपके पास CONH2 है, आपका ये वाला कार्बन sp2। तो भैया आपका आंसर सी आना चाहिए सिंपल तरीके से। अगला पूछा है आपसे सिंपल सा, व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीटोन। क्लोरीटोन, क्लोरीटोन एसीटोन का बड़ा भाई माना जाता है, जिसको हम यूज करते हैं इस कहानी के अंदर। एक्चुअली ये आपका ऑप्शन अवेलेबल होता है कुछ इस तरीके से, हम जब इसमें फ्यूचर में कभी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाएंगे, तब एक तरफ आपके पास OH और एक तरफ आपके पास CCl3 आएगा, इस कॉम्बिनेशन को ही हम क्लोरीटोन के नाम से जानते हैं। कॉमन नेम में ध्यान रखिएगा, ये नाइट्रोक्लोरीन है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन अवेलेबल है, इट्स नोन एज ए क्लोरल, और ये आपका है बेंजीन, हेक्साक्लोराइड या गेमेक्सिन या लिंडेन। अगला पूछा सेम पैटर्न पे, पायरोल कौन सा ऑप्शन है, तो अभी थोड़े पहले अपन ने इस पॉइंट पे जिक्र किया हुआ है कि क्या जज करना है। जो नाइट्रोजन से 5 नंबर रिंग अवेलेबल है उसी को हम पायरोल के नाम से जानते हैं, सल्फर वाले को हम थायोफीन के नाम से जानते हैं, ये आपका पायरोल हो जाएगा, ये आपका थायोफीन हो जाएगा, ये आपका फ्यूरेन हो जाएगा, और अगर 6 मेंबर आ गई तो ये आपका पिरिडीन हो जाएगा। ये वेरी सिंपल वे टू एक्सप्लेन, यानी आपका आंसर यहाँ पे आगरा के लिए आना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा आइसोसिनोन में क्या ऑप्शन है, तो भैया आपको बता दूँ 1, 2 वाले के लिए आपके पास ऑप्शन है कैटेकोल, 1, 3 वाले का ही ऑप्शन है रिसोसिनॉल, अगर 1, 4 आ जाता है तो इसका नाम है पेराक्विनोल, तो आपको आंसर में बॉम्बे मिलेगा। ये आपका सिंपल 1, 1, 2, 3, तो ये तो 3-मिथॉक्सी कहलाएगा, आप आंसर के रूप में बॉम्बे यूज करोगे। 21, आपके पास बहुत सिंपल सा ऑप्शन पूछा गया है, बताओ पायरोगेलोल, ठीक है, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ पायरोगेलोल, ये रिसोसिनॉल गड़बड़, पायरोगेलोल पूछा है, तो बट चूंकि 3 ऑप्शन है तो भैया एक साथ 3 ऑप्शन अवेलेबल हो, इसी को बोलते हैं पायरोगेलोल। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अपने दिमाग में एकदम सेट करके रखना, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन नेमिंग।